तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये सैमसंग के ऊपर है। तो दोस्तों, हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं, सैमसंग के मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रीसेट करते हैं, ये सैमसंग के मोबाइल फोन में यदि FRP लग जाता है तो उसको कैसे ब्रेक किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग जो सीखने वाले हैं, सैमसंग के मोबाइल फोन को अनलॉक करने का तरीका, सैमसंग के मोबाइल फोन में FRP हटाने का तरीका, सैमसंग के मोबाइल फोन को फ्लैश करने का तरीका, ये सारा सब कुछ जो होता है हम लोग अनलॉक टूल के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जितने भी सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं, सैमसंग के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाता है, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको सैमसंग के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ। ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये अनलॉक टूल का है। हम लोग अनलॉक टूल के माध्यम से किस तरीके से जितने भी सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं, तो सारे सैमसंग के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करते हैं, उसका तरीका दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कम्प्लीट ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम में आपको सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग सैमसंग के बारे में सीखने वाले हैं कि सैमसंग के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन को आप लोग FRP हटा सकते हैं। ये दोस्तों हम उन स्टूडेंट के लिए वीडियो दे रहे हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हैं, या वो सॉफ्टवेयर करने में उनको प्रॉब्लम आती है, या ऐसे शॉपकीपर हैं जो अपनी दुकान तो चला रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर संबंधित प्रॉब्लम आती है तो कहीं ठीक कराने के लिए जाते हैं। समझ लीजिए सर, ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, आप कोई भी मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन को चुटकियों में लॉक खोलोगे, एक बार में आसानी के साथ में लॉक को खोलोगे और कोई भी लॉक को आसानी के साथ में ब्रेक करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो सैमसंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो सब लोग सबसे पहली बार सैमसंग भी क्लिक करेंगे, जैसे सैमसंग भी क्लिक करेंगे तो सैमसंग का हाईलाइट हो जाएगा। सैमसंग हाईलाइट होने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ओड इन ऑप्शन आता है, यहाँ पर यह फ्लैशिंग करने के लिए ऑप्शन आता है, दूसरा आपका सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। जो सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है ये आपके मोबाइल फोन में FRP हटाने के लिए ऑप्शन आता है, इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन को FRP हटा सकते हैं या फोन को रीसेट कर सकते हैं। सैमसंग का कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में किसी भी तरह का कोई भी लॉक लग जाता है FRP को छोड़ करके, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, फिंगर लॉक, फेस लॉक, कोई भी लॉक लग जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट करेंगे। जैसे ही आप मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट कर देंगे तो हार्ड रीसेट करते ही आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा, और रीसेट करने से आपके मोबाइल फोन में लॉक खुल जाएगा। जब आपके मोबाइल फोन में लॉक खुल जाएगा तो लॉक ब्रेक हो जाएगा, किसी भी मोबाइल फोन को आसानी के साथ में लॉक खोल लेंगे। लेकिन जब आपके मोबाइल फोन में लॉक तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसमें दोस्तों लग जाती है फिर FRP। FRP का पूरा नाम होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। आपके मोबाइल फोन में FRP लग जाएगा, FRP का मतलब होता है फोन आपका बिल्कुल नया जैसा हो जाता है, नेक्स्ट 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 करके आगे जाते हैं, वो GMAIL ID पासवर्ड मांगता है। जैसे GMAIL ID पासवर्ड आप डालेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं जा पाएंगे। तो सैमसंग के जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सैमसंग के मोबाइल फोन में FRP हटाने के दो रास्ते होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं आप कह सकते हैं। एक तो सैमसंग के पहली बात, एक तो वो मोबाइल फोन आते हैं जिसमें आप ADB मोड के द्वारा आप FRP को हटाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि टेस्ट पॉइंट के माध्यम से आप मोबाइल फोन में FRP को हटाते हैं। ये जो टेस्ट पॉइंट जो होता है ये किसी CPU बेस होता है, जैसे तुम्हारा क्वालकॉम और SPD। बाकी जितने अदर मोबाइल फोन आते हैं या सैमसंग के ही मोबाइल फोन आते हैं ज्यादा, जिसमें एक्सोनॉस CPU लगा होता है, या ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें टेस्ट पॉइंट का ऑप्शन नहीं होता, आप ऐसा कह सकते हैं, उसके अंदर फिर तुम्हारा ADB मोड चलता है। जो ADB मोड होता है, इस मोड में FRP हटाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो पहली बात होता है, आप मोबाइल फोन को या तो डाउनलोडिंग मोड में ले जाएंगे, मोबाइल फोन को किस में ले जाएंगे, डाउनलोडिंग मोड में ले जाएंगे, या तो मोबाइल फोन को MTP मोड में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, MTP मोड में ले जाएंगे। डाउनलोडिंग मोड का मतलब होता है आप मोबाइल फोन में वॉल्यूम माइनस होम और पावर बटन को दबाएंगे। जैसे वॉल्यूम माइनस होम पावर बटन को दबाएंगे तो आपका मोबाइल फोन डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा, और आपका मोबाइल फोन जब डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में आप उसको ब्रेक कर सकते हैं।
ये एमटीपी मोड होगा, तो एमटीपी मोड में मोबाइल फोन को ले जाने के लिए आपको उसमें कोड टाइप करना होता है, स्टार है जीरो स्टार हैश। जैसे कोड टाइप करते तो आपके मोबाइल फोन में एमटीपी मोड में चला जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग दोनों मोड के बारे में समझते हैं, उसका तरीका समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है, जो पहला तरीका फर्स्ट तरीका मैं आपको समझाता हूँ, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उसका पहला तरीका मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात क्या है कि आप सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी के बाद आप फंक्शन में जाएंगे। जैसे आप फंक्शन में जाएंगे तो फंक्शन में जाने के बाद आपका मोबाइल फोन, आप अपने मोबाइल फोन को ऑन रखेंगे, फोन को बंद नहीं करेंगे, आप मोबाइल फोन को ऑन रखेंगे। मोबाइल फोन ऑन रखने के बाद उसमें डाटा केबल लगा देंगे। जैसे डाटा केबल लगा देंगे तो आप डिवाइस मैनेजर में जाकर के देखेंगे तो वहां पर सैमसंग की कनेक्टिविटी दिखाएगा, वहां पर सैमसंग लिख करके आएगा, तो इसका मतलब आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप उस मोबाइल फोन में इमरजेंसी का ऑप्शन आता है, उस इमरजेंसी के ऑप्शन में आप टाइप करेंगे स्टार है जीरो स्टार है। जैसे आप टाइप करेंगे स्टार है जीरो स्टार है, सर फोन दिखाइए मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ कि कैसे स्टार है जीरो स्टार है को हम लोग टाइप करेंगे। हम लोग मोबाइल फोन में ऐसे टाइपिंग पैड खोलेंगे, इसमें से कीपैड को टाइप किया, इसमें हमने टाइप किया स्टार है जीरो स्टार है। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में ये मोड खुलेगा, इस मोड को हम लोग बोलते हैं एमटीपी मोड। क्या बोलते हैं? एमटीपी मोड। तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल फोन को डाटा केबल को यहाँ पर कनेक्ट करा देंगे। जैसे आप मोबाइल फोन को कनेक्ट करा देंगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है रिमूव एफआरपी, आप यहाँ पर ओके करेंगे। रिमूव एफआरपी के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले लिखा मेथड वन ओल्ड सिक्योरिटी पैच, मेथड टू न्यू सिक्योरिटी पैच, मेथड थ्री नेवर सिक्योरिटी पैच, नेवर मतलब इनमें से कोई भी ना हो। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, जो भी मोबाइल फोन आएंगे, अगर पुराना मोबाइल फोन होता है जिसमें होम बटन का ऑप्शन आता है, जो पुराने आते हैं जैसे J2 वगैरह, तो वो हम लोग ओल्ड मेथड से करते थे। यदि आपके पास जो सैमसंग के जो नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, A10 आ रहा है, A20 मोबाइल फोन आ रहा है, M30 मोबाइल फोन आ रहा है, या और भी जो मोबाइल फोन आ रहे हैं, उस मोबाइल फोन के लिए आप जैसे मेथड टू का यूज करेंगे, मेथड टू को बोलेगा रिमूव FRP, मोबाइल फोन कनेक्ट होगा और आपके मोबाइल फोन में FRP रीसेट जैसा ऑप्शन चलेगा और आपके मोबाइल फोन में FRP हट जाएगा। एक बार आपकी स्क्रीन में यहाँ पर अलाउ करने का ऑप्शन भी आता है, अगर अलाउ करने का ऑप्शन नहीं आता तो आप दोबारा कर दीजिए, फिर अलाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा। अलाउ करने के बाद भी अगर नहीं टूटता तो फिर आप दोबारा सेम प्रोसेस कर दीजिए और आपके मोबाइल फोन में FRP ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर समरी पे पूरा डिटेल लेकर के आ जाएगा, इस तरीके से FRP टूट चुका है, एक तो पहला तरीका है। अगर इसके बाद यहाँ से नहीं टूटता फिर आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप मेथड टू ले लेंगे, मेथड टू से टूट जाएगा। अगर मेथड टू से नहीं टूटा तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे, फिर आप मेथड थ्री ले लेंगे। तो इनमें से आप किसी भी एक माध्यम से लॉक तोड़ सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली मैं आपको बताता हूँ थ्री वाले से और टू वाले से टूट जाता है और आप लोगों को परेशानी होना पड़ेगा, उससे FRP हट जाएगा। अब यदि मान लिया सैमसंग के जो अब कुछ नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, उस नए मोबाइल फोन में सैमसंग ने क्या निकाला हुआ है कि उस मोबाइल फोन के अंदर SPD CPU लगा दिया है। SPD का मतलब उसके अंदर स्पेक्ट्रम CPU लगा हुआ है। जब स्पेक्ट्रम CPU लगा हुआ था उस मोबाइल फोन में, जब आप कोड टाइप करते हो स्टार है जीरो स्टार है, देखिए ये कोड जो हम इसमें टाइप किए हैं, इसमें से आप जाएंगे, इसमें कोड टाइप करें स्टार है जीरो, तो ये टाइप करेंगे तो इसमें कुछ नहीं खुलेगा, मतलब कोई इंजीनियरिंग मोड नहीं आएगा। आप कुल मिला के मोटी भाषा में कह सकते हैं कि जिसमें कोड काम ना करे, अगर जिसमें कोड ना काम करे तो आप समझ जाइए कि उसमें अगर SPD CPU लगा हुआ है तो आप यहाँ पर जाएंगे, जो भी आपका मॉडल होगा उस मॉडल को सर्च करेंगे। मॉडल सर्च करने के बाद आपको ब्रूम मोड में जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा दोस्तों? ब्रूम मोड में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास जो भी मोबाइल फोन जैसे हम A034 आता है तो SPD CPU आता है तो इसको आप ओपन कर लेंगे। अगर SPD CPU को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसमें मॉडल दिया वो सैमसंग A034, तो हमने बताया कि जिसमें अगर स्टार है जीरो स्टार है नहीं काम करता तो 100% उसमें टेस्ट पॉइंट होता है, TP पॉइंट होता है, वो टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट कराना पड़ता है तभी आपका मोबाइल फोन क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो हमारे पास जो मोबाइल फोन आ गया सैमसंग A034, अगर इस मोबाइल फोन का टेस्ट पॉइंट देखेंगे तो फिर अपने टेस्ट पॉइंट पर जाएंगे। जैसे टेस्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो टेस्ट पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आप सैमसंग पर चले जाएंगे। हमारा मॉडल कौन सा था? A034। अगर आप इसमें देखेंगे तो कहीं A034 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप A034 को ले लेंगे। जैसे A034 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये हमारा टेस्ट पॉइंट क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसे टेस्ट पॉइंट ओपन हो गया
तो हम लोग क्या करेंगे, चिमटी लेंगे, चिमटी लेने के बाद दोनों पॉइंट को शॉर्ट कराएंगे। ये जितने दोनों पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, शॉर्ट कराएंगे। शॉर्ट करने के बाद जैसे ही आप डाटा केबल लगाएंगे, तो डाटा केबल लगाते ही आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जब आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा, तो मोबाइल फोन कनेक्ट होने का मतलब है आपका मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। जब आपका मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, तो आप उसका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा। तो कनेक्ट होने का मतलब कि आप डिवाइस मैनेजर में जाकर के देखेंगे, आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से पोर्ट बनाएगा। अच्छा, एक बात और है, जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट कराएंगे, तो इस टेस्ट पॉइंट को दबा के रखेंगे, लगाएंगे, दबा के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लगा के रखना है। तो टेस्ट पॉइंट को हम लोग पहले क्लोज कर देते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि मोबाइल फोन में, मानिए सैमसंग A03 कोर आया, उस मोबाइल फोन में FRP लगा, पीछे का बैक ढक्कन खोल लीजिए। बैक ढक्कन खोलने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इरेज FRP, जो लिखा हुआ है इस पर आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे आप इरेज FRP पे ओके करेंगे, तो यही ऑप्शन यहाँ पर लिख करके आएगा, इरेज FRP। इरेज FRP लिखने के बाद यहाँ पर SPRD फोन को कनेक्ट करिए, बोलेगा टेस्ट पॉइंट शॉर्ट। तो आपको टेस्ट पॉइंट को टच करना है और डाटा केबल लगा देना है। अच्छा, टेस्ट पॉइंट को हटाना नहीं है, जैसे आपका फोन में ऑटोमेटिक फोन पोर्ट बनाएगा, ऑटोमेटिक एक सेकंड के अंदर FRP क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन का दोबारा उसको चालू करेंगे और उसका लॉक खुल चुका होगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर जितने सारे नए लोग होते हैं, तो वो लोग क्या काम करते हैं, टेस्ट पॉइंट को टच करने के बाद हटा देते हैं, जैसे ADL पॉइंट में नहीं होता। तो हटाना नहीं है, इसको लगा के ही रखना है, लगा के रखो, डाटा की भी लगा के रखो, फोन पोर्ट बनाएगा। अच्छा, जब तक लगा के रखोगे तभी तक पोर्ट बनाएगा, जैसे हटा दोगे तो पोर्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब पोर्ट तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो काहे से लॉक खुलेगा, इसलिए ऐसे। अब देखिए यहां पर चलेगा कनेक्ट टेस्ट पॉइंट होल्ड, जैसे आप टेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो यहां पर तुरंत पोर्ट बनाएगा। यहां पर पोर्ट बनाने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, समरी में चलेगा और यहां पर आपको लग जाएगा FRP रीसेट डन, आपके मोबाइल फोन में FRP क्या हो जाएगा, टूट चुका होगा। अगर आपके पास कोई SVD CPU का कोई दूसरा मोबाइल फोन आता है, तो आप दूसरा ले लीजिए, लेकिन उसको पहले एक बार स्टॉप कर लीजिए। दूसरा मोबाइल फोन आता है, आप SPD का ये ले लीजिए, जैसे SPD का ले लेंगे, लेकिन ये SPD नहीं है, सॉरी, ये ब्रूम मोड है। ब्रूम मोड का मतलब है MediaTek CPU लगा हुआ है। अगर जो सैमसंग के मोबाइल फोन में जो MediaTek CPU आ रहे हैं, कुछ एक आध मोबाइल फोन आते हैं जिसमें सैमसंग में MediaTek CPU आता है, तो आप इस पर जैसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, उसमें FRP हटाना चाहते हैं, इरेज FRP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इरेज FRP कलेक्ट करेंगे, तो ये तुमको कोई टेस्ट पॉइंट करने के लिए नहीं बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वॉल्यूम प्लस माइनस लगाओ, डाटा केबल लगाओ। क्या करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस लगाया और डाटा केबल लगाया, आपका कंप्यूटर से मोबाइल फोन पोर्ट बनाएगा और यहाँ पर FRP टूट जाएगा। अच्छा, सैमसंग का कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी आते हैं जिसमें तुम्हारा ADL पॉइंट भी होता है। अब मान लिया जिसमें ADL पॉइंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं स्टॉप करता हूं, मैं उसका भी तरीका आपको बताता हूं। सैमसंग जैसे A01, सैमसंग ने क्या किया, A01 ADL, मतलब इसके अंदर स्नैपड्रैगन A01 में तो भाई अच्छा प्रोसेसर लगा दिया है, बाकी उसके साथ में A03 Core 3 Core 3 A4 बहुत सारे मॉडल बना दिए, लेकिन सबको SPD लगा दिया, लेकिन जो पहला निकाला तो मतलब उसमें CPU लगाया बेहतर, और बाकी जितने निकाला तो उसमें CPU लगा दिया घटिया। तो अब हमने क्या किया, ADL पॉइंट को लिया, ये हमारा कौन था, सैमसंग A01, इसमें ADL पॉइंट है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर टेस्ट पॉइंट पर जाना पड़ेगा, टेस्ट पॉइंट में जाने के बाद आपको सैमसंग में जाना पड़ेगा। सैमसंग मैंने A01 कहीं देखेंगे, A01 कहां लिखा, ये लिखे A01 पे आपने क्लिक किया, तो ये देखिए बता रहा, इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कराइए। अच्छा, जो टेस्ट पॉइंट SPD वाला होता है, उसको ग्राउंड से शॉर्ट कराने को बोलता है। क्या बोलता है, ग्राउंड से, मतलब कोई भी टेस्ट पॉइंट दिया होगा, ऐसे ये पॉइंट दिया होगा, ये बोलेगा इस पॉइंट को ग्राउंड से शॉर्ट कराए, तो उसे बोलते हैं टेस्ट पॉइंट। ये तुम्हारा SPD CPU के लिए होता है। अब इसमें क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कराना है, तो दोनों पॉइंट का मतलब तो भैया ADL होता है। तो जैसे इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करा के डाटा के भी लगाओगे, तो आपका मोबाइल फोन क्वालिकॉम का पोर्ट बनाएगा। क्वालिकॉम का पोर्ट बनाने के बाद फिर आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया। जैसे मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया, तो मोबाइल फोन कनेक्ट होने के बाद आप वहां पर क्या कर देंगे, इरेज FRP, जैसे इरेज FRP कर देंगे, और आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद उसमें FRP क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो यहाँ पर टेस्ट पॉइंट के लिए नहीं बोला है, MediaTek में कुछ नहीं बोला था, लेकिन इसमें ये बोला कि पहले USB क्यू लोडर, वेटिंग क्यू लोडर, क्यू लोडर का मतलब समझ रहे, क्वालिकॉम का पोर्ट बनाएगा, जैसे क्वालिकॉम का पोर्ट बनाएगा तभी क्यू लोडर लिख कर गया था। तो इस तरीके से हमारे पास सैमसंग कंपनी के जो भी मोबाइल फोन आते हैं, तो सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन को आप, मोबाइल फोन को उसमें FRP को हटा सकते हैं, उसको फॉर्मेट आप
हार्ड रीसेट कर सकते हैं। हार्ड रीसेट करने से मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद आप उसमें FRP को इसके माध्यम से ब्रेक कर सकते हैं, FRP को इसके माध्यम से तोड़ सकते हैं। तो मोस्टली हमारे पास जितने भी सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं, सैमसंग के मोबाइल फोन को यहाँ पर जा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको रिपेयर कर पाते हैं और आसानी से उसको ठीक कर पाते हैं। यदि उसमें फ्लैशिंग करना है तो यहाँ पर फ्लैशिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लैशिंग करने के लिए यहाँ पर आप फाइल में जाते हैं, जो फाइल आपकी जहाँ पर रखी होती है उस फाइल ओपन हो जाती है। फाइल ओपन होने के बाद फाइल को लोड कर देते हैं, फाइल की पूरी डिटेल आ जाती है, उसके बाद आप फ्लैश कर देते हैं। ये देखिए लिखा ओडिन फ्लैश टूल। ओडिन फ्लैश टूल का मतलब होता है ओडिन, वही वाला ओडिन जो आप फ्री में आप डाउनलोड करके यूज करते थे, वही ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी सैमसंग कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो सैमसंग कंपनी के मोबाइल फ़ोन को हम लोगों ने आज अनलॉक करने का तरीका, मोबाइल फ़ोन में फ्लैश करने का तरीका देखा हुआ है। तो ये अपना जो ADB मोड MTP मोड से होता है वो यहाँ पर जाके करते हैं। जो ब्रूम मोड होता है उस ब्रूम मोड में हम यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करके टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि सैमसंग कंपनी के मोबाइल फ़ोन को हम लोग अनलॉक टूल के माध्यम से कैसे ब्रेक करेंगे, या अनलॉक टूल के माध्यम से उसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आज हम लोगों ने सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को आपके बार को पूरा सिखाया है। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं आपको इसमें अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक अगर एक बार मैं नहीं समझ पाता, तो उस वीडियो को एक बार दो बार आप अच्छे से वॉच करो, ताकि जब एक बार दो बार तीन बार अच्छे से वॉच करोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। अगर उसके बाद भी कोई भी मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। या आपने अभी अगर ये वाला वीडियो आपको मिला हुआ है तो इससे पहले और भी 2-3-4 वीडियो बन चुके हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखें, या इसके आगे के जो वीडियो हैं उन वीडियो को भी देखें, जिसके माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझ में आए। तो दोस्तों हम लोग अनलॉक टूल के माध्यम से एक एक करके जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को पूरी फुल्ली कवर करने वाले हैं। पहले हम MI के बारे में सीखे थे, हम लोग सैमसंग के बारे में सीखेंगे, और अगला टॉपिक हमारा हवाई के बारे में होगा, कि हम लोग हवाई के बारे में सीखेंगे कि हवाई के मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर कर पाएंगे। बहुत सारे असिस्टेंट जो हमको कॉल कर रहे हैं कि सर हमको अनलॉक टूल का ID पासवर्ड दे दीजिए, तो ये ID पासवर्ड जो होता है आप लोग कॉल ना करें। अगर आप ट्रेनिंग के लिए कॉल करना चाहते हैं बिल्कुल कॉल करें, लेकिन ID पासवर्ड मांगने के लिए फ़ोन ना करें, क्योंकि ID पासवर्ड जो होता है वो आपको जनरेटेड होता है, वो वेबसाइट के माध्यम से मिलता है, उसका पैसा लगता है, वो चार्ज होता है, एक्सपेंसिव होता है। कोई भी पर्सन आपको ID पासवर्ड नहीं देगा, कोई ID पासवर्ड देगा तो आपसे उसके बदले आपको पैसा मांगेगा, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन ठीक करने वाले हो। और जितने भी सारे जो नए लोग हैं, वो नए लोग अपने लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सीखने के तौर पर 1500-1700-1800 रुपये खर्चा कर सकते हो और सॉफ्टवेयर के काफ़ी सारे काम कर सकते हो। अगर दोस्तों 5-6 मोबाइल फ़ोन भी ठीक कर लिए तब भी आपका पैसा निकल आएगा। दूसरी बात क्या, आपको नॉलेज मिल जाएगी। ये जो आपको नॉलेज मिलने वाली है ना, ये सबसे बड़ी बात है जो आपको दुनिया जान में कहीं नहीं मिलने वाली। और हम आपको इस सारी चीज़ों के बारे में आपको फ्री में इतना सारा सब कुछ सिखा रहे हैं। हम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हमारा जो स्टूडेंट है, जो रिपेयरिंग करने वाला जो हमारा व्यूअर है, वो अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर में लोग बहुत कठिन मानते हैं, कहते हैं अरे काम होगा नहीं, मोबाइल फ़ोन वहाँ से ठीक करा लाओ, लॉक नहीं खुल रहा है, FRP नहीं टूट रहा, ऐसी बहुत सारी परेशानी आती है जिससे हमारे बच्चे परेशान होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं वो सीख करके अच्छी तरीके से काम करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।